मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान काली सूची की दोबारा समीक्षा की मांग की थी। मामला उठाने के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस फैसले की हर जगह तारीफ हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी इस फैसले का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा ब्लैकलिस्ट का मुद्दा देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने उठाए जाने पर हर पार्टी इसका स्वागत कर रही है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की दलील है कि इस ब्लैकलिस्ट पर नजरसानी होनी चाहिए और कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस कोशिश का वे स्वागत करते हैं। वहीं कांग्रेस भी मुद्दे के सहारे पंथक हित साधने की कोशिश में है और उसकी दलील है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरी संजीदगी के साथ इस मसले के हल की कोशिश की है। चंगी गल है जी, मैं इसे सहमत हाँ क्योंकि वो सूची जी बनी सी एवं लिस्ट बना के दे देंगे सन, तो इस करके देखना चाहिए। जी काली सूची की गल की है, मैं समझदा कि वह कितने लोग ने अज बहरले विदेशों में वसदे, इदू चंगे तरीके अज तक किहड़े मुख्यमंत्री ने गल की और साढ़े गृहमंत्री साहब ने यह गल कही भी असं ये नज़रसानी कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो जे कि यह मसला हल हो जाता है तो उन्होंने हज़ार लोगों को राहत मिलेगी जेडे अज विदेशों में कई कई सालों में तो फसे आ। पंजाब में बदमनी के दौर के बाद काली सूची का मामला काफी समय से सियासत का केंद्र रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा दोबारा की गई इस कोशिश से एक उम्मीद जागी है। गिदड़बाहा से जसविंदर बबर के साथ नवजोत सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।